Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. Hey, rook. Hey. तू उसके कमरे में क्या कर रहा था? नहीं, मैं तो गया नहीं कहीं। तो तू ये गाल क्यों दबा रखा? दिखा ना। ये तेरे गाल लाल क्यों है? वो लिपस्टिक गई नहीं यहाँ से। लिपस्टिक? तेरे गाल पे लिपस्टिक क्यों आएगा? बोलना। किसी को बोलना नहीं है, उसके कमरे में गया। नहीं। प्रॉमिस। मैं नहीं, प्रॉमिस। पक्का। बोलना। सुनो, बता। बोल। क्या मुझे प्यास लगी थी? हाँ। उसके कमरे में क्या पानी मांगा? हाँ। तो वो आई। हाँ। आके ऐसे आगे बोल रहे यार। सुन तो सही, बता दो ना। आके मुझे बोलती है पानी, मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर हाँ आगे बोल। नहीं बता। ए भाई, बताना। भाई मेरा भाई, बताना। हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। एक जो पता नहीं है मेरी इज्जत का सवाल। अरे भाई क्यों बताऊंगा यार। अरे बहना, मैं तो तेरी बहादुरी चेक कर रहा था। तू बहना की बहादुरी बाथरूम में चेक करेगा? जो बहना के साथ ऐसा करते उसको क्या कहते हैं पता है तुझे? बहन कब से हो गई है तेरी? अच्छा आप लोग आ गए। अगर आप लोग नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर डालता ये। क्या ये? सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। कल रात को जब ये तेरे कमरे में आया तो इसके साथ उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? सुना सेठ जी, सावित्री जी कह रही है मैंने क्या किया। क्यों? कल रात को जब ये तेरे रूम में आया तब तो तू कुछ नहीं बोली है, अब चिल्लाने लगी। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? अबे रुक ना। रात का छोड़, अभी का बोल। बाबला, तू रात को इसके कमरे में गया था? इसके कमरे में गया था क्या? मैं तो सेठ जी शाम को 7 बजे के बाद सो रहा था। हे राम, ये दरिंदा कितना झूठ बोलता है। सेठ जी इसको पूछो, कल रात को तूने मेरे को बोला नहीं कि तू उसके रूम में गया था? अरे भैया, मैं जो 7 बजे सोता हूँ तो उसके बाद 1-2 नंबर करने के लिए उठता नहीं हूँ। तू मुझे मिला नहीं था? कब? तब? तब कब? सेठ जी मैं बोलता हूँ इस आदमी को यहाँ से निकालो। सेठ जी एकदम चुप। तो पहले इसकी माफी मांग। बहना की माफी मांग। सेठ जी मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये सब इस कमीने की वजह से हुआ। तू लंदन आ, तुझे तो मैं वहाँ देखूंगा। ऐसी बदमाशी अगर ये खुलेआम करेगा तो हम औरतों का लंदन में क्या होगा? माफी वाफी नहीं चलेगी, इस हवस के पुजारी को सजा मिलनी ही चाहिए। लो, एक और सावित्री बोली। पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को? हाँ सावित्री, पुलिस को बुलाना। अरे चुप करो, शोर मत मचाओ कमीनो। वो ऑर्गेनाइजर सुने के तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? साले तुम्हारी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत का तो कुछ सोचो। साले मेरी 30 साल की करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से तुम दोनों आए हो मेरी उम्र दुगनी हो गई है। वो सब बात ठीक है, लेकिन इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे कौन सी सजा, कैसी सजा? अच्छा भूल गया, वो सेठ जी नागपुर के अंदर जो शो हुआ था उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजर की बेटी थी, उसको मैंने भैंस बुलाया था तो मुझे बर्तन मारने की सजा मिली थी, जबकि मैंने बुलाया भी नहीं था। और इसने तो किया है, इसको कम से कम कपड़े धोने की सजा तो मिलनी चाहिए ना। आज से 1 महीने के लिए सबके गंदे कपड़े तू धोएगा। खुश खुश चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में, और गंदे कपड़े संभाल के रखो। ये देखो, ये सबके पासपोर्ट और टिकट है, सबको बोलना कि मंगलसूत्र की तरह संभाल के रखे, समझ गई? सेठ जी चिल्ला मत रे। वो हीरोइन क्या हीरोइन का क्या हुआ? वो लंदन नहीं आ रही है। बेचारे से सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी अरे कोई पानी ले आओ। अरे बिजली आ रहा था। ये देखो यार क्या हुआ, क्या हुआ? सेठ जी सेठ जी क्या हुआ? ये
सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों की वजह से मेरी हीरोइन नहीं आ रही। इन दोनों की वजह से हमारे शो में कोई भी लड़की नहीं टिकती। मैं तो कहती हूँ निकाल देना चाहिए इन दोनों को। ये दो निकाल देना, निकाल देना। ए पानी दे सेठ जी को। सेठ जी पानी। सेठ जी मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हम लोग वहां जाके कर लेंगे। तू क्या करेगा? तू पहनेगा उसका ब्लाउज पेटीकोट? तू क्या करेगा? अरे सेठ जी वहां पर अपने हिंदुस्तानी भाई लोग बहुत रहते हैं। हाँ। कोई ना कोई हीरोइन मिल जाएगी हमें। बराबर है। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वही चल के देख लेंगे, लेकिन पहले लंदन तो चले। चलो 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 सब लोग एक एक करके नीचे उतरो। चलो 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 वेलकम वेलकम। सब लोग अपना अपना सामान लेके रिसेप्शन काउंटर पे जाइए। वेलकम वेलकम। अरे मेरा बैग है। और सुनिए ये पूरा मोटेल सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप लोगों के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहेगा। पूरा इंतजाम कर दिया, बस कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं। वो कपड़े धोने के लिए आदमी लाए हैं हम लोग अपने साथ। धोबी है? वो जो भी है पता नहीं, धोबी है कि फूल गोभी है। धोबी है, धोबी है धोबी यहाँ। इधर कोई खाने पीने की व्यवस्था है क्या? अरे खाने पीने की तो तकलीफ ही नहीं है ना। रसोई घर है, बर्तन है, सब कुछ है, सिर्फ पकाने वाला नहीं है। वो आपको खुद पका खाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है ना। नो रूम सर्विस। अरे गुल्लू इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये टैक्सी वाला गुल्लू आज के दिन ही आप लोगों के साथ ही रहेगा। कुछ भी बाजार से मंगाना इससे मंगा लेना, ये आपको ला के दे देगा। गुल्लू इनको संभालना, अपने लोग है भाई, हाथ से नहीं जाने चाहिए, समझिए ना। आराम से रहिए, अपना मोटिव समझिए से। अब मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा शो के दिन। दो गई शराबत की। बाय। आजा गुल्लू, आजा आजा। पैसा दे दो। तेरी मार। चलो भैया सबका चाय नाश्ता नहाना धोना हो गया ना? मेरा बाकी है। क्या प्रॉब्लम है? वो रूम सेट हो रहा है अभी। चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास हीरोइन नहीं है, और वो समस्या का निवारण भी हो गया। क्या निवारण किया, कैसे किया? देखो वो क्या है, कहानी वही रहेगी, सिर्फ हीरो हीरोइन बदल गए हैं। हीरोइन कौन होगी? मैं हूँ। है? मैं हीरो हूँ, और ये वैजयंती वो हीरोइन बनेगी। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, ये अपना लास्ट शो है, इसके बाद सीधा इंडिया। चुप करे, तेरी वजह से हीरोइन भाग गई है। हाँ वो जो भी है, लेकिन पब्लिक हमारे कपड़े तो नहीं फाड़ेगी। नहीं मैं क्या सोच रहा था कि अगर सेजी हीरो बनते हैं और ये हीरोइन बनती है, तो इसका शीर्षक क्या होगा? सिग्नल बुढ़ापे का सिग्नल। स्टूपिड इडियट, वेरी फनी। सर जी आवाज बंद नहीं होगी, बोलते रहो। सर जी एक धमकी है, अगर ये हीरोइन बनती है तो इस नाटक का विलन मैं बनूंगा। विलन तू क्यों बनेगा? तू क्यों बनेगा? विलन हमेशा मैं बनते हूँ, मैं ही रहूंगा, समझे ना। तेरे को तो हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अभी चांस मिल रहा है तो लेता क्यों नहीं है? भाई साहब मुझे हीरो बनना है, किसी का बेटा नहीं बनना। क्या? मुझे भी किसी का पोता नहीं बनना। चुप 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 चुप। अभी सिर्फ एक रास्ता है और जो सबको मानना पड़ेगा, जो हीरोइन ढूंढ के लेके आएगा वो ही हीरो का रोल करेगा। हीरो का रोल करना है तो हीरोइन लेकर आओ, नहीं तो मैं इसके साथ शो करूंगा, और जो मेरे साथ शो नहीं करेगा उसको मैं एक रुपया भी नहीं दूंगा। हो सकता है वो कर लेगा। सुन मेरी बात। अच्छा बोल, तू बोल ना। मैं तो बोल। नहीं नहीं बोल, बोल ना। हीरोइन मिले तो हीरो में बनूंगा, लेकिन सिर्फ एक शो के लिए, अगला शो मैं बनूंगा। ओके, वरना वो बुड्ढा हीरो बन जाएगा। तो बॉने ने बोला था कि यहाँ पर आएंगे तो कुछ हिंदुस्तानी लोग मिलेंगे, फिर दोस्ती वोस्ती होगी, फिर वो हीरोइन से मिलाएंगे। यहाँ तो कोई अपना नजर नहीं आ रहा। अबे
उंगली देख देख अरे मुझे नहीं उधर देख आई थिंक दीज आर द पीपल कम पूछ भानु ने बोला था पहले ये लोग पूछेंगे अच्छा अरे अरे हम लोग अरे अरे माचे से पूछ जी वो हीरोइन हीरोइन मत बोल पुड़िया बोल पुड़िया गुड़िया पुड़िया पुड़िया बोल रहा भाई पुड़िया पुड़िया हाँ पुड़िया है है पैसा लाए हाँ हाँ लाए 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 है पुलिस पकड़ो 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 लेट्स गो अरे वो हमारा बैग है Hey, रुक! अरे कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? Hey, रुक! कमाल का शहर है यार पहली बार ऐसा चोर देखा जो मेरा बैग ले गया और अपना बैग छोड़ गया अरे उन लोग चोर नहीं है उन लोग कुछ और थे मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है यार मैं क्या बोलूं बैग सुन बैग खोल के देखे बैग नहीं नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर बहुत पब्लिक है तो कहां कोई ऐसी जगह चलते जहां कोई ना हो ना चलते इधर इधर चलते Secret police. Come on. Get fast. Get fast. कौन? बॉस, 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 हमें बचा लो, बॉस, हमें बचा लो. Save us. क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो खुफिया पुलिस हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है. क्या? Yes, boss. हमने अपनी इन आँखों से उनको इस होटल के अंदर आते हुए देखा है. अरे बेवकूफ तुम लोग यहाँ क्यों आए मुझे मरवाने के लिए हाँ? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा मैं भी नहीं आऊंगा ये क्या है सफेद सफेद आटा 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 ये ड्रग्स है ड्रग्स इसको लेते नशा चढ़ जाता है ये तो लफड़ा है इन लोगों ने गलती से दे दिया हमें तो बहुत झोलझाली किस्म का लफड़ा है इसका उपाय क्या है बंद कर बंद कर ए, रुक 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 इस बैग का क्या करें सोचने दे क्या सोचने दे इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं ये बैग रख लेते हैं कपड़े रखने का काम आएगा अच्छा बैग है यार अबे तेरा दिमाग खराब है क्या मालूम है इसकी कीमत क्या है 1 करोड़ रुपया ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये अबे ढोलकी के मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा हूं अंदर के माल की बात कर रहा हूं ये कचरे का 1 करोड़ रुपया तूने क्या मेरे को ये ना समझाया क्या हां ए तीसरी फेल पीटी पास मैं बी इंग्लिश हूं समझे ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा मेरी बात सुनना अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछवाड़ा उठा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अरे दो गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे क्या बोलता है इस माल को बेच दे हाँ बेच दे बेच दे एक काम कर तू सड़क पर दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे बोल ड्रग्स ले लो ड्रग्स ले लो ड्रग्स ले लो पब्लिक आएगी क्या आएगी ना वर्दी पहन के आएगी पुलिस
Excuse me. Where's the police station here, please? Where I am from Russia. Don't ask me stupid questions. क्या 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 बोला ये? इधर आ, तू इधर आ. अब तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी. नहीं नहीं अपुन एक काम करते हैं हम लोग इस कचरे को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और अपन कचरे से बाहर आ जाते हैं भाई. अच्छा अच्छा मेरी बात सुन. चल अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को सारा सामान देते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि हम लोग हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस रहे हैं. दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है तेरा? उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी. यू मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी. क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास. ए, हमको भी सोचने का मौका दो भाई. सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस. नहीं नहीं फिर भी हमारा भी सोचना जरूरी होता है. टैक्सी जल्दी आओ मूर्ख, जल्दी आ. ये रहा टैक्सी स्टैंड, चलो. सीक्रेट पुलिस, रन. कम ऑन कम ऑन. मैं देखता हूँ. भाई साहब गुल्लू कहाँ है? हाँ अंदर बैठ के बात कर उससे. हम लोग गुल्लू गुल्लू. अरे टैक्सी चलो चलो. कहाँ जाना है? चलो कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है बाद में देखेंगे. चलो emergency, emergency. Go, 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 man. चलो, चलो, जल्दी चलो. गुल्लू, वो देखो, सर, वो लेफ्ट किया. सर, that is गुल्लू, sir. That is गुल्लू. Come on, come on. जाना ना भाई. चलिए, चलिए, चलिए. सर, सर, जल्दी आइए, बैठिए ना. सब चल लेट आप ही कर रहे हैं, सर. बैठिए. Follow the taxi. गाड़ी तेज चलाओ. चलो देखिए, वो देखिए. अरे 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते, पेनाल्टी का तुम्हारा बाप भरेगा. अचानक कहाँ है? अरे तुमको जहाँ भी जाना है वहाँ ले चलो गाड़ी, लेकिन गाड़ी तेज चलाए, इमरजेंसी है. क्यों संडा जाना है क्या? है बहुत पैसा है? इतना क्यों ठसते रहते हो जो कंट्रोल नहीं होता? ओ माय गॉड. अरे यहाँ से राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट. जी बात सुनो, पहली बार देखा है जहाँ मुझे जाना है, वहाँ चलो तैयार है. गाड़ी रोको, गाड़ी रोको. ए, रुकते 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 रुको रुको. हे गुल्लू, हे यार, इन पुलिस वालों को समझाओ यार, इन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. नाम? गुल्लू. तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा, तेरा पूरा नाम बता. वो गुलाब सिंह लखन सिंह हरियाणे वाले. इन्हें जानते हो तुम? नहीं नहीं साहब, इसने कहा था वो लड़की वड़की. क्या मतलब? नहीं 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 हुआ क्या है सर? तुमसे जितना पूछा गया उसका जवाब दो. जानते हो इन्हें? कैसे? ये लोग भारत से आए हैं सर. वो क्या कहते हैं, ड्रामा नाटक करने आए हैं ये लोग. इनके साथ 15-20 लोग और भी हैं सर. कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया पार्क में सर. ऑर्गेनाइजर कौन है? रविंद्र जी तनेजा सर. सर वो क्या है, सीधे साधे लोग हैं, पहली बार यहाँ आए हुए हैं. सर इन लोगों ने कोई गड़बड़ की है क्या सर? बहुत बड़ी. एनीवे ऑफिसर प्लीज टेक द सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट. कम ओवर हियर लैड्स. कम ऑन. अभी क्या हुआ? इस वक्त मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ. चलो साइन हियर टॉप वन. जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए तो हाजिरी देने पहुंच जाना. थैंक यू सर. ओके सर, बाय सर. रिस्क के गुरु. गुरुजी, दरअसल बात यह है, एक फिल्म का हीरो आया है एक छोटी सी समस्या लेकर. आप उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो बाटली लेकर आया हूँ. आप उसकी समस्या सुलझा दो प्लीज. भाई चल 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 चल. सेटिंग हुई? हुई नहीं, हो जाएगी, चिंता मत करो. मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा झूठ बोल दिया है. मैंने कहा तुम फिल्में बनाते हो, उसमें तुम मेन हीरो हो. क्यों, ड्रामा में क्या प्रॉब्लम है? अरे ड्रामा टीवी सीरियल बोलेगा, कोई लड़की काम नहीं करेगी. लेकिन मुझे. अरे लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए. हाँ तो चुपचाप चलो, दिमाग का बैंड मत बजाओ. लेकिन मुझे कंचा लड़की चाहिए. अच्छा ड्रामा नहीं करना है, कंचा खेलना है उसके साथ. अबे कंचा मतलब सुंदर होता है. अच्छा, चल, चलो चलो. तो बावला हो गया तू, लंदन में रह. आजा आजा आजा. हाँ आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ. गुरुजी. कौन है? ये मिस्टर बंटी हैं. पैर छुओ. पेरी पेरी. तुम इस आदमी को जानते हो? इनका नाम है बंटी. बंटी? अरे इनकी पिक्चर के बारे में तो सुना होगा ना,
ये अपने खुद की फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं और उसके मेन हीरो भी तो मेन हीरो वो ना डायरेक्टर जी, वो मैं नहीं हूँ, वो ये हैं, इनके बारे में बात की थी ना मैंने आपसे। तो फिर तू कौन है? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। मतलब तुम गुल्लू और ये टैक्सी ड्राइवर? नहीं, 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 वो दोनों मैं ही हूँ। तो फिर ये कौन है? ये बंटी है। ये फिल्मों में क्या कर रहा है? ए, तुम दोनों मेरे को पागल मत बना, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। इसको पूछ मेरे को जिस जिस काम के लिए आओ, मेरे को चाहिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसको पूछ लड़की कहाँ मिलेगी मेरे को। औरतें चाहिए? औरतें नहीं, एक लड़की चाहिए फिल्म में काम करने के लिए, वो भी हिंदुस्तानी मटेरियल होनी चाहिए। मिल जाएगी। अब गुरुजी वो लड़की वो जल्दी से करवा दीजिए। वो तो मैं भूल ही गया था, आज से 200 साल पहले 200 साल पहले 2 साल ग्रुप में एक लड़की थी, वो तुमको मिल सकती है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? नाम बता उसको। पद्मिनी, शंखनी, मोहिनी। अबे रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा। हाका। हाका। ये कैसी डायन का नाम है? हाका ये डायन का नाम नहीं है, ये मेरे आदमी का नाम है। अब भाई इन्हें आदमी नहीं, इन्हें एक लड़की चाहिए। हाका है ना, ये मेरा आदमी है, इसके पास जाएंगे, ये बताएगा वो लड़की कहाँ रहती है। तो अब चले कहाँ भाई साहब? हाका के पास, हाका को ढूंढने। मैं भूल गया था।